अच्छा बच्चों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हिस्ट्री ऑफ फार्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी। कि साइंस के अंदर, बायोलॉजी के अंदर हमारा जो मेन कंसर्न होता है वो होता है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो बेटे सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में ये क्वेश्चन आता है कि कोई भी जो चीज जिसे हम जानदार चीज कह रहे हैं वो बनी हुई किस चीज से, उसकी फॉर्मेशन किससे हुई है। जैसे आप कोई घर देखते हो, कोई बिल्डिंग देखते हो, तो जहन में क्वेश्चन आता है कि ये किससे बना हुआ है। तो सोल्यूशन के तौर पे हमें आंसर मिलता है कि ये ईंटों से बना हुआ है। ठीक है बेटे, तो वैसे ही जब हम बात करते हैं जानदारों की, एनिमल्स की, प्लांट्स की, बैक्टीरिया की, फंजाई की, जिस भी जानदार की बात करते हैं तो वो किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। तो जब ये बात सामने आई कि जानदारों के जिस्म सेल से बने हुए हैं, तो बार बार जब इस बात पर गौर किया गया तो उससे एक हाइपोथेसिस पैदा हुआ कि हर जानदार किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है, फर्ज की गई ये बात। अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब भी किसी हाइपोथेसिस के ऊपर बार बार तजर्बा किया जाए और वो टेस्ट किया जाए, उस हाइपोथेसिस को चेक किया जाए और बार बार उसका रिजल्ट सेम आए, तो हम कहते हैं कि ये जो हाइपोथेसिस है ये स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम। वक्त के अंदर आने वाले टाइम में इस हाइपोथेसिस को जब प्रैक्टिकली चेक किया जाता है तो स्टैंड का मतलब ये कायम रहता है, वजूद में रहता है, ये गलत साबित नहीं होता। तो जब कोई ऐसा हाइपोथेसिस जो स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम हो, जो वक्त के इम्तिहान में कामयाब रहे, उसे हम नाम देते हैं थ्योरी का। तो जब ये बात सामने आई कि भाई तमाम जानदारों के जिस्म सेल से बने हुए हैं, तो इसके ऊपर बेशुमार बायोलॉजिस्ट ने, जूलॉजिस्ट ने, बॉटनिस्ट ने, साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए और एक चीज बनी जिसे सेल थ्योरी कहा गया, जिसे आज तक माना जाता है। तो आया कि वाकई ही जानदार सेल से बने हुए हैं, इस वजह से फिर वो हाइपोथेसिस किसमें चेंज हो गया, थ्योरी में चेंज हो गया। सेल थ्योरी इसलिए कह रहे हैं कि सेल की थ्योरी है कि जानदारों के जिस्म किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। क्योंकि हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, इसका नाम ही सेल्स एंड टिश्यूज है। तो इस चैप्टर के नाम से जाहिर होता है कि या तो इसमें हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे या टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने की जरूरत क्यों पेश आई, क्योंकि बायोलॉजी है, बायोलॉजी में जानदार हैं, तो जानदारों के जिस्मों के बारे में सेल थ्योरी ये कहती है कि ऑल ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले आपने ये देखना है कि थ्योरी के पॉइंट हैं क्या, थ्योरी है क्या, फिर हम देखेंगे कि वो थ्योरी बनी कैसे है, उसका वजूद कैसे डिवेल्प हुआ, वो इस शक्ल में आई कैसे है। सबसे पहले हमें किसी चीज को, कोई चीज हमारे पास उसका मॉडल होगा तो हम उसके ऊपर रिसर्च करेंगे ना। तो सबसे पहले हमने देखना है कि बेटा थ्योरी क्या है। थ्योरी ये है कि दुनिया जहान के अंदर कोई भी जानदार है वो या तो एक सेल से बना हुआ है या एक से, जब एक सेल से बना हुआ है तो हम कहते हैं वो यूनिसेलुलर, जब एक से ज्यादा सेल से बना हुआ है तो हम कहते हैं वो मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर के केस में क्या होता है, फिर हमें जब एक सेल से बना हुआ है तो हम सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, वो सारे जानदार यूनिसेलुलर है। जब मल्टी सेलुलर की बात करते हैं तो हम कहते हैं सेल का ग्रुप टिश्यू बनाता है, तो फिर हम टिश्यू को स्टडी करते हैं, फिर फर्दर ऑर्गन पर सिस्टम और पूरा इंडिविजुअल। ठीक है बेटे, और मल्टी सेलुलर जानदार में हम फिर मुख्तलिफ सिस्टम्स के बारे में स्टडी करते हैं। यहां जब हम बात ये कर रहे हैं कि हर जानदार या तो एक सेल से बना हुआ है या एक से ज्यादा सेल से बना हुआ है, तो ये सेल थ्योरी का पहला पॉइंट है। ये क्या है बेटे, सेल थ्योरी का, कि ऑल ऑर्गेनिजम्स दुनिया में जितने भी जानदार हैं किससे बने हैं, आर कंपोज्ड ऑफ वन आर, अगर यूनिसेलुलर होंगे तो वन सेल से, मल्टी सेलुलर होंगे तो मोर देन वन सेल। ये बात समझ आ गई। एक जानदारों की ऑर्गेनाइजेशन की एक तीसरी शक्ल भी होती है, जिसे आपने कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा होगा, उसमें होता क्या है, उसमें टिश्यू फॉर्मेशन नहीं होती। यूनिसेलुलर जानदार एक से ज्यादा किसी एक जगह पे इकट्ठे रहते हैं, उसे हम कॉलोनियल फॉर्मेशन का नाम देते हैं या कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन का नाम देते हैं। लेकिन उनमें हर सेल अपनी लाइफ खुद गुजारता है, अपने फंक्शंस खुद करता है, सेल का ग्रुप नहीं बनता, टिश्यू फॉर्मेशन नहीं होती।
इसलिए हम उसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहते, क्योंकि एक से ज्यादा सेल होते हैं, एक जगह पे होते हैं, इसलिए उसे हम कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन का नाम देते हैं। तो पहला पॉइंट सब बच्चों को समझ आ गया सेल थ्योरी का, कि सब के सब जानदार बेटे कितने सेल से बने हैं, कॉलोनियल वाले भी तो एक ही सेल से बने हैं ना, वो तो वैसे एक सेल वाले इकट्ठे रह रहे हैं ना। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जितने भी जानदार हैं वो या तो बेटे एक सेल से बने हैं या, जब हमें यह पता चल गया कि जानदार सेल से बना है, तो फिर अगर कोई जानदार एक सेल से बना है तो वो पूरे का पूरा एक सेल वाला जानदार है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ना। तो फिर जो सबसे छोटी जिंदा चीज होगी, सबसे छोटी जो बेटे लिविंग थिंग होगी, वो क्या होंगे बेसिकली, वो एक सेल वाला जानदार ही होगा ना। तो क्या हम सेल्स को स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स कह सकते हैं? जब यही सेल मिलेंगे तो टिश्यू और उससे ऑर्गन और सिस्टम तो मल्टी सेलुलर बन जाएंगे। इसका मतलब जो सबसे छोटी जिंदा चीज होगी वो तो एक सेल वाला जानदार ही है ना, तो फिर सेल ही होंगे ना स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स। जब इन्हीं से पूरा जानदार मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो रही, सब कुछ हो रहा है, और जिस चीज में सेल होता है उसी को हम कहते हैं जिंदगी है, तो फिर क्या जितने भी जानदार हैं इनकी जो जिस्म के अंदर ऑर्गेनाइजेशन है, यानी इनके जिस्म का जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है, क्या बेटे जानदारों के जिस्म का स्ट्रक्चर मानी बने किससे हैं और फंक्शन, जिस्म में काम भी तो सेल ही करेंगे ना, तो जिस्म के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट फिर कौन से होंगे बेटे, सेल होंगे या नहीं? तो जब ये स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, ये फंक्शनल यूनिट भी है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक यूनिट कहलाएगा या नहीं? तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि सेल्स आर द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स, द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। तमाम जानदारों के जिस्मों की जो बनावट है उसका जो बेसिक बुनियादी यूनिट है वो एक सेल है। और सेल को आपने अच्छी तरह से पढ़ा हुआ बेटे उर्दू जुबान में, प्योर उर्दू में सेल को खुलिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे? खुलिया, उससे खुलियात बन जाते, जमा हो जाते। लेकिन आप लोगों के बुक्स में आप खुलिये वगैरह वाला वर्ड यूज नहीं होता, ठीक है, लेकिन वैसे पता होना चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन जेन में आता है कि अगर जानदार बने भी सेल से हैं, जिस्मों में काम भी सेल कर रहे हैं, तो दुनिया के अंदर नए जानदार कहां से आते हैं? दुनिया के अंदर नए जानदार कहां से आते हैं? तो बीइंग मुस्लिम हमारा ये ख्याल है, साइंटिस्ट का जो ख्याल है, जो बायोलॉजिस्ट का ख्याल है, जो जूलॉजिस्ट का ख्याल है, वो ये कहते हैं कि दुनिया के अंदर जो सबसे पहला सेल था वो एक प्रोकैरियोटिक सेल था। प्रोकैरियोटिक सेल ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं होता। वक्त गुजरा, उसमें चेंजेस आई, यूकैरियोटिक सेल बना। तो सबसे पहला किंगडम भी तो हम प्रोकैरियोटिक ही पढ़ते हैं ना जानदारों के किंगडम में। बात समझ आ रही है बेटे? तो सबसे पहला जानदार उनके ख्याल के मुताबिक क्या है? एक बैक्टीरिया है, एक प्रोकैरियोटिक सेल वाला। और साइंसदानों का यह ख्याल है कि बाकी सारे जानदार उनसे आ रहे हैं। बाकी सारे जानदार वक्त के गुजरने के साथ साथ, वक्त के गुजरने के साथ साथ उस बैक्टीरिया से, पहले प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल बना, यूकैरियोटिक से फिर पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, फिर मल्टीसेलुलर बने। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एवोल्यूशन, स्टेप बाय स्टेप चेंज, वक्त के साथ तब्दीली आना, यानी सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना, प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक का बनना। यह अमल क्या कहलाता है? एवोल्यूशन, या उर्दू में से इर्तका का अमल भी बोलते हैं। क्या बेटे? तो बायोलॉजिस्ट तो ये कहते हैं कि दुनिया में जितने भी जानदार हैं वो किस अमल से आए हैं? एवोल्यूशन के अमल से आए। किससे हैं? जो पहले सेल मौजूद था प्रोकैरियोटिक सेल, उसी से यूकैरियोटिक बना, उसी से फिर मल्टी सेलुलर जानदार बने। इसका मतलब यह हुआ कि बायोलॉजी के मुताबिक जितने भी नए सेल हैं वो कहां से आ रहे हैं? वो सारे के सारे आ रहे हैं जो पहले वाले सेल हैं उनके अंदर जब डिवीजन होती है तो नए सेल वजूद में आते हैं। यानी बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक से वक्त के गुजरने के साथ साथ नए जानदार बनना, ठीक है। और अगर कोई जानदार यूनिसेलुलर है तो
उसमें तो सिंपल डिवीजन होगी और उससे दो नए जानदार बन जाएंगे। लेकिन अगर मल्टी सेलुलर जानदार है तो उनके जिस्मों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रिप्रोडक्शन का सिस्टम रखा हुआ है, रिप्रोड्यूस करने का सिस्टम रखा हुआ है, अपने जैसे नए जानदार पैदा करने का सिस्टम रखा हुआ है। बात समझ आ रही बेटे? तो इसलिए तीसरा पॉइंट ये है कि दुनिया में जितने भी नए जानदार हैं या नए सेल हैं वो कहां से आते हैं? सेल्स अराइज ओनली बाय द डिविजन्स इन प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल। ऐसे सेल जो दुनिया में पहले से मौजूद हैं उनमें तकसीम होती है और उस तकसीम के नतीजे में बेटे क्या बनता है? नए सेल बनते हैं। तो फिर जो नए जानदार दुनिया में आ रहे हैं वो भी तो पहले जानदारों से ही आ रहे हैं ना। तो मुसलमान होने की हैसियत से अगर हमारे जहन में ये क्वेश्चन आए कि पहला बैक्टीरिया किसने बनाया, अगर साइंसदान कहते हैं कि तमाम जानदार सेल से बने हैं और नए सेल पहले वाले सेल से बने हैं, तो सबसे पहला सेल किसने बनाया? या किसी भी मखलूक के अंदर जो पहला पहला जोड़ा था किसने बनाया? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि दुनिया के अंदर मैंने हर चीज के जोड़े जोड़े बनाए हैं। क्या बेटे? पारा नंबर 30 है, सूरा निबा है, नबा। उसमें अल्लाह फरमाते हैं कि वह खलक ना कुम अजवाजा, मैंने हर चीज का जोड़ा जोड़ा पैदा किया है। जैसे अगर हम इंसानों की बात करते हैं तो सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सैयदना हजरत आदम अली इस्लाम को पैदा किया, जद्दुल अंबिया में से हैं, हमारे बाप हैं। सारी नस्ल इंसानियत को अल्लाह ने सैयदना हजरत आदम अली इस्लाम से चलाया। फिर सैयदना आदम अली इस्लाम की ही पसली की हड्डी से अम्मा हवा को पैदा किया, तो नर और मादा का एक पहला जोड़ा अल्लाह ने बना, मेल और फीमेल का। फिर उनके जिस्म के अंदर अल्लाह ने उनको प्रोड्यूस कर दिया, पैदा कर दिया। अल्लाह ने उनके अंदर एक खूबी रखी, एक क्वालिटी रखी, एक प्रोसेस रखा जिसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस करना, दोबारा पैदा करना, यानी जो चीजें पैदा हुई हुई हैं उन जैसी नई चीजें बनाना। तो मेरे ख्याल में आप लोगों के जहन में यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि जो नए सेल हैं दुनिया में बेटे वो कहां से आते हैं? तो पहला किसने बनाया? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया। इतनी बात समझ आ गई बेटे? नेक्स्ट हम चलते हैं कि भाई ये तीनों पॉइंट बने कैसे हैं, ये तीनों पॉइंट इनकी हिस्ट्री क्या है। तो जहां तक हिस्ट्री का ताल्लुक है तो बेटे सबसे पहली बात तो ये है, अगर हम साइंटिफिक इराज, साइंसी दौर की बात करते हैं, साइंसी अदवार की बात करते हैं, तो सबसे पहला दौर था मुस्लिम साइंटिस्ट का। फिर उसके बाद कुछ वक्त के लिए ग्रीक फिलासफर्स आ गए, फिर मुस्लिम साइंटिस्ट आ गए, और आजकल जो मॉडर्न साइंस आ गए। तो जो ग्रीक फिलासफर्स थे, यूनान वाले, यूनानी जुबान वाले थे, वो बेसिकली फिलासफर थे, थिंक ओवर करते थे, सोचो विचार करते थे, प्रैक्टिकल काम कम करते थे। तो जितनी भी कुदरती दुनिया थी, पौधे नजर आ रहे हैं, जानवर नजर आ रहे हैं, उसे हम कहते हैं नेचुरल वर्ल्ड, जो जानदार चीजें हैं। उनका जितना भी डाटा था वो सबसे पहले किसने इकट्ठा किया? ग्रीक्स वर द फर्स्ट, ग्रीक थे पहले लोग जिन्होंने क्या किया बेटे, नेचुरल वर्ल्ड के डेटे को, मवाद को, मटेरियल को इकट्ठा किया। और उनमें एक नाम आता है जो बहुत मशहूर है साइंसदानों के अंदर, अरस्तु, अरिस्टोटल का नाम। ठीक है बेटे? अरिस्टोटल ने कहा कि पूरी दुनिया के अंदर, आप लोग हिस्ट्री पढ़ चुके हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम्स की, उसमें भी जो सबसे पहला सिस्टम था उसमें यही कहा गया था कि दुनिया के अंदर या तो किंगडम प्लांटी है या किंगडम एनिमेलिया है, बाकी सारे फिर बाद में बने थे। तो ग्रीक्स का यह मानना था कि हर वो जानदार जो अपनी खुराक खुद बनाता है प्लांट है, जो नहीं बनाता है एनिमल है। तो उसने ये कहा कि पूरी दुनिया में या तो प्लांट है या एनिमल है, और फिर ये आपस में किसी ना किसी तरह से मिलते जुलते भी हैं। क्या बेटे? ऑल एनिमल्स और प्लांट्स आर समहाउ रिलेटेड। जब ग्रीक फिलासफर अरिस्टोटल ने, अरस्तु ने जब ये बात की कि ये जानदार आपस में मिलते जुलते हैं, तो आम लोगों के जहन में, साइंसदानों के जहन में कुछ सवालात आए कि भाई ये कैसे मिलते हैं, पौधे डिफरेंट हैं, एनिमल डिफरेंट है, गाय डिफरेंट है, भैंस डिफरेंट है, इंसान है, इंसान सबसे डिफरेंट है, तो ये मिलते किस वजह से? तो उनके जहन में तरह तरह के क्वेश्चन आए। उनमें एक क्वेश्चन ये भी था कि क्या कोई ऐसा फंडामेंटल यूनिट है इनके जिस्म के स्ट्रक्चर की, कोई बुनियादी इकाई है जो सब में शेयर हो रही है।
तो ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से ये सारे आपस में मिलते हैं? तो उसमें बेटे पहला क्वेश्चन ये था कि इनके जिस्मों में साख्त की एक इकाई है जो मुश्तरक है, और उसका पता कब चला? जब 1665 में एक बायोलॉजिस्ट है जिसने काम किया था सेल के बारे में, तो 1665 चूंकि जो इरा है ये 17वीं सदी में आता है, 1600 के बाद जब 1601-2 जितने भी है ना 1601, इसको हम 17वीं सदी बोलेंगे, 17th century, ठीक है। इसमें जब ये काम हुआ, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले ये काम किया था, इसने कुछ चीजें डिस्कवर की थी जिनके ऊपर इसने काम किया था, उन्हीं को बाद में सेल का नाम दिया गया। तो जो अरिस्टोटल का ख्याल था कि जानदारों के अंदर स्ट्रक्चर का कोई यूनिट शेयर होता है, उसी को बाद में सेल का नाम दिया गया, कि तमाम जानदारों के अंदर सेल ऐसी चीज है जो हर जानदार के जिस्म में मौजूद है। तो फिर ये पॉइंट साबित हो गया कि इसका मतलब सेल के बगैर जानदार, तो उसी से किसी हद तक ये पहला पॉइंट बना है कि तमाम जानदार किससे बने हुए हैं बेटे, या एक सेल से बने हुए या एक से ज्यादा। फिर एक बायोलॉजिस्ट आता है रॉबर्ट हुक नाम वाला, उसने 1665 में अपनी बनाई हुई खुद साख्ता सेल्फ मेड लाइट माइक्रोस्कोप को यूज किया, और जो दरख्त होते हैं, ट्री होता है, उसकी छाल की जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसे कार्क का नाम देते हैं, उसकी बारीक बारीक स्लाइस बनाई और उस माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा, तो उसको उस स्लाइस जो थी ना कार्क की, उसके अंदर एक हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर नजर आया। शायद की मक्खियों के छत्ते देखे हैं बेटे, उसमें आपको छोटे छोटे एम्प्टी कंपार्टमेंट खाली खाने नजर आते हैं, उस हनी कॉम्ब के अंदर क्या होता है बेटे, एम्प्टी कंपार्ट। तो उसने इस हनी उस जो कार्क की स्लाइस थी उसके अंदर भी उसी तरह के एम्प्टी कंपार्टमेंट देखे जैसे हनी कॉम्ब में होते हैं, और उसने उनको क्या नाम दिया, सेलुलाई। क्या नाम दिया बेटे, बाद में इसी चीज को ही सेल का नाम दिया। इतनी बात समझ आ गई। अब रॉबर्ट हुक के बाद फिर एक और बायोलॉजिस्ट आता है, डच नेचुरलिस्ट, नेचर को स्टडी करने वाला, फितरत को, जानदारों को, पौधों को स्टडी करने वाला। तो उसने काम किया एनिमल्स के ऊपर, पाउंड वाटर लिया, तालाब से पानी के कतरे लिए, आपने पढ़ा हुआ है तालाब के पानी में जो छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर जानदार, अमीबा वगैरह, पैरामीशियम वगैरह, तो उसने उस तालाब के से जो पानी के कतरे लिए उसको माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया, तो उसको भी वैसे ही छोटे छोटे पॉइंट्स नजर आए। किसका, एंटोनी वैन लेवन हुक, एंटोनी वैन लेवन हुक नाम है उसका बेटा, ठीक है। उसने उन छोटे छोटे खानों को, छोटे छोटे कंपार्टमेंट को, क्योंकि उसने एनिमल्स पे काम किया था, उसने उन्हें नाम दे दिया एनिमल क्यूल्स का। क्या बेटे, तो रॉबर्ट हुक की यूज की हुई टर्म सेलुलाई और एंटोनी वैन लेवन हुक की यूज की हुई टर्म एनिमल क्यूल्स, यही बाद में हम तक किस शक्ल में पहुंची, सेल की शक्ल में पहुंची। क्वेश्चन है हमारा हिस्ट्री ऑफ फार्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी। सबसे पहले हमने सेल थ्योरी को पढ़ा कि सेल थ्योरी है क्या, उसके तीन मेन पास्टुलेट हैं, तीन मेन पॉइंट हैं। उनमें सबसे पहला पॉइंट हमने ये पढ़ा था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन आर मोर सेल्स। दुनिया जहान में जो भी जानदार चीज है या एक सेल से बनी है या एक से, या कोई जानदार यूनिसेलुलर है या, और तीसरी कंडीशन हमने कॉलोनियल की भी बात की थी, लेकिन वो बेसिकली तो यूनिसेलुलर होते हैं, उनमें टिश्यू फॉर्मेशन नहीं होती। मल्टीसेलुलर वो जानदार होता है जिनमें बाकायदा टिश्यू फॉर्मेशन हो, ऑर्गन सिस्टम फॉर्मेशन हो, ऑर्गन बने, सिस्टम बने, और एक उनका और बेसिक कैरेक्टर है कि उन जानदारों के लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो भी बनता हो, लेकिन कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कुछ नहीं है, लिहाजा वो भी बेसिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। तो कोई भी जानदार खा वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, तो बेटा वो बेसिकली किससे बना है,
सेल से ही बना हुआ है। तो हमने कल बात की थी कि सबसे पहले इस चीज पर किसने काम किया, अरिस्टोटल ने काम किया। फिर हमने कहा इस पर काम किया था रॉबर्ट हुक ने, उसने हमें सेलुलाई के बारे में बताया। फिर हमने कहा था कि एंटोनी वैन लेवेनहुक था जिसने पाउंड वाटर में से कुछ एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, यूनिसेलुलर जानवर थे जिनमें अमीबा और पैरामीशियम वगैरह शामिल है, और उसने इन्हें नाम दिया था एनिमल क्यूल का। और सेल थ्योरी का दूसरा पॉइंट ये था कि अगर हर जानवर सेल से बना है तो सेल ही स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग है और जानदारों की ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक यूनिट भी है। और तीसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा था कि नए सेल किससे बनते हैं, डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल, उनमें तकसीम होती है और नए सेल बन जाते हैं। तो अब मैं मजीद देखते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स की कंफर्मेशन कैसे हुई, ये तीनों पॉइंट कैसे बने। तो एंटोनी वैन लेवेनहुक के बाद जो नेक्स्ट बायोलॉजिस्ट है उसका नाम है बेटे जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क। क्या नाम है? अगर हम देखते हैं कि इन्होंने ये काम, ये पॉइंट कब दिया है, 1809 में, तो इससे पहले रॉबर्ट हुक ने कब काम किया था, 1665 में, तो तकरीबन 1.5 सेंचुरी के बाद। जी, रॉबर्ट हुक के 1.5 सेंचुरी के बाद जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क ने 1809 में ये बात की थी कि कोई भी जिस्म लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहलाएगा, कोई भी बॉडी लिविंग बॉडी नहीं कहलाएगी, नो बॉडी कैन हैव लाइफ। कब तक वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहलाएगा? जब तक उसका वो जिस्म किस से बना हो, सेलुलर टिश्यू से ना बना हो। यानी अगर वो जिस्म, जिस जिस्म को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं, अगर तो वो सेल से या फिर मल्टी सेलुलर जानदार है तो टिश्यू, सेल के बाद टिश्यू बनेगा। अगर तो किसी जानदार के जिस्म में या किसी बॉडी में सेल हो और टिश्यू हो तो हम उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे। अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो उसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो इस बात से हमें क्या साबित हो रहा है कि जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क हमें सेल्स की इंपॉर्टेंस बता रहा है, सेल्स की सिग्निफिकेंट बता रहा है बेटे, कि जिस जिस्म में सेल होगा वही लिविंग बॉडी होगी, अदरवाइज वो लिविंग बॉडी। अगर कोई जानदार, अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर सेल का होना जरूरी है। अगर किसी चीज में सेल नहीं है तो हम उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने वायरस के बारे में पढ़ा है कि हम उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग के दरमियान दरमियान सफर करते हैं, ना वो लिविंग है ना वो नॉन लिविंग है, उनके अंदर लिविंग का करेक्टर भी मौजूद है, नॉन लिविंग का करेक्टर भी मौजूद है, और हमने उसे किसी भी किंगडम में शामिल नहीं किया था। याद है क्यों बेटे? क्योंकि किंगडम के अंदर वो जानवर हैं जिनके जिस्म में सेल है, आइदर प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक। ये बात समझ आ गई? तो चूंकि वायरस में सेल नहीं है, वायरस का जिस्म सेल से नहीं बना हुआ, इसी वजह से हमने उसे किसी किंगडम में शामिल नहीं किया। तो जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क का भी यही कहना है कि जानदार वही होगा जो किससे बना होगा, अगर उसमें सेल या टिश्यू फॉर्मेशन नहीं है तो वो चीज लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहलाएगी। जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क का रोल समझ आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, इनके बाद एक और ब्रिटिश, बर्तानिया के बॉटनिस्ट ने काम किया है 1831 में, उनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम है बेटे? ये बड़ा ही अहम एमसीक्यूज है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉटनिस्ट या बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट जो है वो बॉटनिस्ट भी हो सकता है, जूलॉजिस्ट भी हो सकता है ना, बात समझ आ रही बेटे? मंदरजा ज़ैल में से किस बायोलॉजिस्ट ने या किस बॉटनिस्ट ने क्या किया, डिस्कवर किया किस चीज को, न्यूक्लियस को किसके अंदर, सेल। किस बॉटनिस्ट ने सेल में, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल? तो बेटे रॉबर्ट ब्राउन का क्या रोल है?
डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल, तो ये भी इसके अंदर इसका रोल हुआ, सेल थ्योरी के अंदर ही बेसिकली रोल हुआ। नेक्स्ट हम चलते हैं इनके बाद 1838 में, साइंसदानों की एक सीरीज चलती जा रही है। इन 1838 में एक और बॉटनिस्ट है जी बेटे, ये ब्रिटिश बॉटनिस्ट है और ये कौन सा जर्मन है, ये सॉरी मैंने गलती से लिख दिया आपसे, ठीक है जर्मन, नाम है मैथियस शेलिडन। क्या नाम है? मैथियस शेलिडन। उसने ये कहा कि जितने भी प्लांट हैं उन प्लांट्स की जो बॉडीज हैं वो ऑर्गन पर मुश्तमिल है, ऑर्गन टिश्यू पर मुश्तमिल है, और जो टिश्यू हैं वो इंडिविजुअल यूनिट्स यानी सेल्स पर मुश्तमिल है। क्या बेटे? जितने भी प्लांट्स की बॉडीज हैं वो किससे बनी हुई हैं? इंडिविजुअल यूनिट से बनी हुई हैं, यानी उनके जो टिश्यू या ऑर्गन है वो किससे बने हुए हैं? प्लांट के सेल से। तो पहला पॉइंट जो हमने कहा था कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल, तो किसी हद तक वो पॉइंट बन गया। दूसरे, जब पौधों पर काम हुआ तो ठीक एक साल के बाद 1839 में जर्मन जूलॉजिस्ट आ गया, ये जर्मन बॉटनिस्ट था, उसके काम के एक साल बाद थ्यूडर श्वान। क्या बेटे? उसने ये कहा कि जैसे प्लांट्स की बॉडीज इंडिविजुअल यूनिट्स यानी सेल से बनी हुई, सिमिलरली जो एनिमल्स की बॉडीज हैं, क्या बेटे, वो भी एग्रीगेशन है, वो भी मजमुआ है, वो भी कलेक्शन है। किस चीज का? इंडिविजुअल यूनिट्स का, और उन इंडिविजुअल यूनिट्स को क्या नाम दिया गया? सेल्स का ही नाम दिया गया। तो यूं मैंने आपको बताया था कि बेटे शुरू शुरू में यही समझा जाता था कि पूरी दुनिया के अंदर या एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, जानदारों की दुनिया में या एनिमल्स हैं या, तो यहां से हमें क्या साबित हो गया कि एनिमल्स की जिस्म भी किससे बने हैं? सेल से, और प्लांट के जिस्म भी। तो जो पहला पॉइंट था सेल थ्योरी का कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन आर, वो इन दोनों बंदों ने बनाया है, थ्यूडर श्वान ने और मैथियस शेल्डन ने सेल थ्योरी का पहला पॉइंट बनाया। जब पहला बन गया तो पहले से ही दूसरा पॉइंट डायरेक्टली बनता है कि अगर जानदार सेल से बने हुए हैं तो सेल ही सबसे छोटी जिंदा चीजें हैं और सेल ही जानदारों के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका बेसिक यूनिट भी है। तो दो पॉइंट क्लियर हो गए बेटे। अब इसके बाद एक और बायोलॉजिस्ट आता है, उसका नाम है रुडॉल्फ विर्चू। क्या नाम है बेटे? क्योंकि सेल थ्योरी में एक तीसरा पॉइंट भी है कि जितने भी नए सेल हैं वो किससे बनते हैं? पहले वाले सेल के अंदर है, पहले से मौजूद सेल में जब डिवीजन होती है, तकसीम होती है, तो नए सेल बनते हैं। अब इस चीज को किसने बताया था, ये पॉइंट किस बंदे ने, किस बायोलॉजिस्ट ने ये पॉइंट बताया था? तो बेटे रुडॉल्फ विर्चू जर्मन फिजिशियन है और 1855 में इसने ये स्टेटमेंट दी थी कि ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने नए सेल हैं वो किससे वजूद में आते हैं? पहले से मौजूद सेल में तकसीम होती है तो नए सेल बनते हैं। रुडॉल्फ विर्चू की जो अपनी वर्डिंग थी वो थी बेटे ओमिनस सेलुला ई सेलुला। ओमिनस का मतलब होता है अराइज होना, इमर्ज होना, बनना। सेलुला मीन सेल। क्या बेटे? ओमिनस मीन बनना या बनते हैं, सेलुला मीन सेल, ई मीन फ्रॉम, सेलुला मीन सेल। समझ आइए बात की कि ओमिनस सेलुला ई सेलुला, ओमिनस मीन बनना, सेलुला मीन सेल, ई मीन फ्रॉम और सेलुला मीन सेल, कि सेल किससे बनते हैं? सेल सेल से ही बनते हैं, मतलब नए सेल
पहले से मौजूद सेल की डिवीजन से वजूद में आते हैं। तो ये जो सेल थ्योरी का तीसरा पॉइंट था बेटा, ये किसने बनाया? रुडोल्फ विर्चू। अब रुडोल्फ विर्चू का ये जो ख्याल था, ये जो आइडिया था कि नए सेल पहले से मौजूद सेल की तकसीम से बनते हैं, इसी आइडिया से एक और क्वेश्चन जन्म लिया कि फिर नए जानदार भी तो पहले जानदारों से बनते हैं। तो ये बात बेटा जी मैंने आपको कल क्लियर कर दी थी कि नए जितने भी नए जानदार हैं वो पहले से मौजूद जानदारों से ही वजूद में आते हैं, क्योंकि हर जानदार के अंदर, हर जानदार की स्पीशीज के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक जोड़ा बना दिया है मेल और फीमेल की शक्ल में, और उनके अंदर रिप्रोड्यूस करने की खसूसियत रखी, अपने जैसे नए जानदार दोबारा बनाने की खसूसियत रखी। तो यूं ये जानदारों का सिलसिला चलता आ रहा। अब यहां एक क्वेश्चन था, कुछ बायोलॉजिस्ट कहते थे, टू डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट थे यहां पे बायोलॉजिस्ट के, जिंदगी के हवाले से, जानदारों के हवाले से। कुछ ये कहते थे कि हर जिंदा चीज से बनती है, हर जिंदा चीज। ये जो कॉन्सेप्ट था ना, ये था बायोजेनेसिस वालों का। किनका बेटे? बायोजेनेसिस वाले। बायोजेनेसिस और ए बायोजेनेसिस, दो तरह के बायोलॉजिस्ट। कुछ ये कहते थे कि जानदार चीजें हमेशा, और कुछ कहते थे जानदार चीजें बेजान चीजों से बनती हैं। इनके ऊपर लंबी एक लिस्ट बनी थी एक्सपेरिमेंट की, तो साबित यही हुआ था बायोजेनेसिस वाले कि जानदार जानदारों से ही बनते हैं, बेजान से नहीं बनते। अब जो रुडोल्फ विर्चू था इसका भी यही ख्याल था कि सेल सेल से बनते हैं तो जानदार है। इस ख्याल को तजर्बे से साबित जिस बंदे ने किया था, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जिसने दिया था, उसका नाम था बेटे लोई पास्टर। क्या नाम है बेटे? लोइस पास्टर भी कह सकते हो, लोई पास्टर भी कह सकते हो। इसने क्या किया था, जो रुडोल्फ विर्चू का आइडिया था ना, जो रुडोल्फ विर्चू का ख्याल था कि जानदार चीजें किससे बनती हैं, सेल किससे बनते हैं, सेल की तकसीम से, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने पेश किया? लोइस पास्टर। तो यूं बेटे सेल थ्योरी के जो तीनों पास्टुलेट थे कि हर जानदार किससे बना हुआ, वन आर मोर सेल से, तो सेल ही जो है वो बेसिक स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स हैं और बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रक्चर का भी, फंक्शन का भी। और फिर तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि नए सेल किससे बनते हैं बेटे, डिवीजन ऑफ प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल। तो ये तीनों पॉइंट्स की जो फॉर्मेशन हुई थी वो इन तमाम लोगों के कंट्रीब्यूशन से हुई।